5 अगस्त दिन सोमवार, ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में कभी न भुला पाने वाले दिनों में शुमार हो गया है। दरअसल इसी दिन शेख हसीना की सत्ता छात्र आंदोलन की भेंट चढ़ गई। देश में ऐसा तांडव मचा कि महज कुछ ही मिनटों में शेख हसीना को न सिर्फ सत्ता बल्कि मुल्क भी हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। वो 45 मिनट उनकी 15 साल की सत्ता पर भारी पड़ गए। आनंद फानन में उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंके जाने के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी हिंदू भाग कर भारत जाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों को अपने घरों और कारोबारों को लूटते और आग के हवाले होते देखा गया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। इसीलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें और इसी तरह की और रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने चली ऐसी चाल की बांग्लादेश का बदला पूरा नक्शा। पाक की खुशी को 6 घंटे में कर डाला खत्म। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना भारत पहुंची, आखिर क्यों? भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान में आया भूचाल। दोस्तों, इस समय बांग्लादेश की हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुशी से झूम रहा है, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही क्योंकि भारत ने ऐसा खेल खेला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। दोस्तों, भारत क्या कुछ कर सकता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये फोटो तो आपको याद ही होगी। दरअसल ये फोटो तब की है जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान का तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गया था। खैर, जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके 2-3 दिनों के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जो प्रमुख था, वो चाय का कप लेकर काबुल में मौजूद था, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, और इस फोटो को क्लिक करवा रहा था। इसके बाद इस फोटो को दिखाकर पाकिस्तानियों ने भारत को खूब चिढ़ाया था कि हमने तुम्हारा अफगानिस्तान से सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तो ये भी खुशी मनाना शुरू कर दी थी कि भारत उनके अनुसार अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करते हैं और उसके लिए लड़ भी सकते हैं पाकिस्तानी सेना से, उन्हें अब भारत की मदद नहीं मिल पाएगी। उनकी जो आज़ादी की मांग है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जो लोग थे, खुले में टीवी पर आकर बोल रहे थे कि जो CPCE प्रोजेक्ट है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसके तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है, इसके जरिए चीन की अरब सागर तक पहुँच हो जाएगी, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज स्थिति क्या है दोस्तों? 2021 की इस घटना को आज 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में पाकिस्तानियों की जो खुशी हुआ करती थी, जो जोश हुआ करता था, आज गुस्से और झुंझलाहट में बदल चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद इनका प्यार मित्र तालिबान इनकी ही लंका लगा रहा है। इनके देश में आतंकी हमलों में ऐतिहासिक उछाल आया है। CPCE प्रोजेक्ट पर लगातार अटैक हो रहे हैं और बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी, जो पहले कम हुआ करती थी, अब वो 50-60 गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के लोग रोज दर्जनों की संख्या में मारे जा चुके हैं और इनके सैन्य बेस पर अटैक ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। आए दिन पाकिस्तानी सेना के सैन्य बेस पर अटैक होना, वो भी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान है, इनकी पूंछ 12 साल तो छोड़िए, आप 50 साल भी रख लो नली के अंदर, वो कभी सीधी नहीं होगी और ये कभी बाज नहीं आएंगे अपनी बेइज्जती करवाने से। कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल आज बांग्लादेश के अंदर आप जानते ही हैं तख्ता पलट हो चुका है और भारत की करीबी माने जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा हो चुका है और वो अब देश छोड़कर जा चुकी हैं। वहां पर सेना का कंट्रोल आ चुका है और एक इंटरिम गवर्नमेंट फिलहाल बना दी गई है, लेकिन कब इलेक्शन होंगे, कब वहां पर सरकार बनेगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा खुशियां मना रहे हैं, फिर से भारत को कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश से तुम्हारा सफाया करवा दिया। इतना ही नहीं, कई लोग तो ट्विटर पर ये भी लिख रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश बनने से पहले इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान को हमने फिर से आजाद करवा लिया है और भारत से इसका बदला भी ले लिया है। लेकिन कोई इनसे पूछे कि कैसा बदला ले लिया, तुम्हारे देश के 2 टुकड़े तो हमने कर दिए, अब ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश तुम्हारे में फिर से मर्ज हो जाएगा, उल्टा तुम्हारे पाकिस्तान के टूटने के लाले पड़े हुए हैं, तुम उसे नहीं संभाल पा रहे, ऐसे में किस बात का कैसा बदला? इन्हें
कुछ नहीं पता, इन्हें बस बांग्लादेश में एक छोटी सी खुशी दिख रही है। भारत का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री हट गई है, सेना का राज आ गया है, अब ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि भारत विरोधी होगा और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा। जबकि असलियत ये है कि जिस कारण से शेख हसीना को हटना पड़ा उसमें कहीं से भी भारत का समर्थन या विरोध नहीं था। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे बांग्लादेश में, उन्होंने कभी भी एंटी इंडिया नारे नहीं लगाए, ना ही भारत का विरोध किया, क्योंकि भारत ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया बांग्लादेश में। यहाँ तक कि भारत का जो एम्बेसी है ढाका के अंदर, वो सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है इस प्रोटेस्ट के दौरान, और वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर पाया। वहीं भारत ने एक अच्छा काम ये कर दिया कि हमने शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जरूर, लेकिन उन्हें भारत में शरण नहीं दी, हम उन्हें किसी तीसरे देश में भेजेंगे ताकि बांग्लादेश के आम लोगों में, खास करके वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें भारत की छवि खराब ना हो, वो भारत को बांग्लादेश विरोधी ना माने। रही बात कि क्या बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो बन जाने दो। मालदीव में भी तो एक एंटी इंडिया राष्ट्रपति बना, उसने 6 महीने तक भारत के खिलाफ खूब काम किया। 6 महीने के बाद स्थिति ये है कि वो भारत की शरण में गिड़गिड़ा रहा है कि हमें पैसा दे दो, हमें व्यापार दे दो, हमारे देश में आकर रोड शो कर रहा है कि भारत हमारी आर्थिक तौर पर मदद करे। ऐसे में ही बांग्लादेश को भी आप देखना, अगर वहां पर एंटी इंडिया पीएम बन भी जाता है तो अंततः उसे भारत के चरणों में आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो शॉर्ट टर्म में भारत के लिए चिंताजनक जरूर है, क्योंकि पलायन वगैरह हो सकता है वहां के लोगों का, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे भारत को कोई नुकसान होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी और भारत का नेटवर्क बांग्लादेश में अल्ट्रा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मजबूत है। शेख हसीना ने भारत को ही क्यों चुना? तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई सालों से भारत शेख हसीना का सपोर्टर रहा है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगता है, इनमें से कई सारे राज्यों में उग्रवाद एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ढाका के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर इन मुद्दों को सॉल्व करने में काफी हद तक मददगार रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश में भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों पर नकेल कसी है, इसकी वजह से दिल्ली में उनकी काफी ढाक रही है। हसीना ने भारत को कई अधिकार भी दिए हैं, इसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में सामानों का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। शेख हसीना ने साल 1996 के बाद में भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। 2022 में भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाया कि कैसे भारत ने अपनी सरकार, लोगों और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया था। हालांकि ओपोजिशन पार्टियों ने उनके भारत के साथ में अच्छे संबंधों की समय समय पर क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना था कि भारत को बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। पिछले एक दशक से भारत और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत बने हुए हैं। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का काफी प्रॉफिट ले चुका है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी दोनों देश काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसमें त्रिपुरा में फैनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का इनॉग्रेशन और चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क का शुभारंभ शामिल है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी रहा है, इसके लिए नई दिल्ली ने लगभग 1/4 कर्ज की कमिटमेंट भी दी है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। साथ ही भारत एशिया में अगर दूसरे नंबर पर किसी देश से सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारी निभाता है तो वो बांग्लादेश ही है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों इस बीच सबके जहन में एक सवाल ये भी है कि शेख हसीना बांग्लादेश से खाली हाथ आई हैं या अपने साथ कुछ लेकर भी आई हैं। उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना सेना के विमान से ढाका से भारत पहुंची थी। इसके लिए उन्होंने सेना के AJAX-1431 विमान का इस्तेमाल किया। वो इस विमान से अगरतला होते हुए भारत पहुंची। दरअसल सेना ने उनको एक ऐसे एयरबेस से भारत पहुंचाया, इस पर कोई आता जाता नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ सेना ही करती है। सो ऐसे में प्रिय दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यस तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।